गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको आज लग ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ आज ठीक है, 3-4 दिन तक मेरी क्लास नहीं आ पाई क्योंकि गले में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था और आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जब आवाज़ ही नहीं निकलेगी तो कैसे वीडियो बनाती और कैसे मैं आप लोगों को भेजती, इसलिए मैंने 3-4 दिन तक कोई क्लास नहीं बनाई, रेस्ट किया। उसके बाद आज जाके मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, आज लगा कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, क्लास बना सकती हूँ, तो मैंने आज आपके लिए क्लास बना दी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है वैकेंसीज आपकी आ चुकी है, एग्जाम होने शुरू हो चुके हैं, तो नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। 1-2 एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, कुछ वैकेंसीज आ चुकी है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आप नोट्स एक एक टॉपिक को जो आप क्लियर करते हुए जा रहे हैं, उस टाइम उनका क्या करना है, खाली रिवीजन करना है। ठीक है, तो वो आप नोट्स कब काम आएंगे आपके, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले रिवीजन के लिए वो नोट्स आपको काम आएंगे, जो आप डेली नोट डाउन करते हो, नोट्स बनाते हो। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का हमारा कोड क्या है कि रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बिल्कुल सही बात है, जो संघर्ष करेगा सफलता तो उसे ही मिलेगी। ठीक है, जो लगातार प्रयास करेगा, लगातार, ये नहीं कि एक बार असफलता मिल गई तो बैठ गए, नहीं, बैठना नहीं है। फिर असफलता का अर्थ क्या है, असफलता क्यों मिली, क्योंकि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। इसलिए असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। तो फिर से प्रयास करेंगे और इस तरह एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। 2-3 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई तो उसके क्वेश्चन भी धीरे धीरे मैं इन्हीं क्लास में ऐड करती रहूँगी, जो भी आपके बीच में छूट गए होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो क्वेश्चंस भी इन्हीं क्लास में, आगे की क्लास में एक एक करके दो दो तीन तीन करके इसी में आते जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि भारतीय मूल की किस 6 वर्षीय छात्रा ने पाई के 1560 दशमलव स्थान याद कर, कितने 1560 दशमलव स्थान याद कर सिंगापुर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उसका नाम क्या है, 6 वर्षीय छात्रा का नाम है ईशानी षणमुगम। क्या है, ईशानी षणमुगम उस छात्रा का नाम है जिसने क्या किया है, पाई के 1560 दशमलव स्थान याद किए हैं। ठीक है, और कहाँ का, सिंगापुर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो उस छात्रा का नाम क्या है, उसका नाम है ईशानी षणमुगम। तो सिंगापुर के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जैसे मैं बोलती रहती हूँ आप साथ साथ मेरे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंगापुर के बारे में देखेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी ही है। क्या है, कैपिटल सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी क्या है, कैपिटल है सिंगापुर की। क्या कहा जाता है सिंगापुर को, सिंहों का शहर, सिंहों का शहर कहा जाता है। सिंह यानी शेर, सिंह देखा ना, सिंह की दहाड़, तो सिंहों का शहर किसे कहा जाता है, सिंगापुर को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का नाम लिखेंगे सेल्पन रामनाथन। कौन है, सेल्पन रामनाथन कौन है, यहाँ के सिंगापुर के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री लिखेंगे, पीएम लिखेंगे, प्रधानमंत्री का नाम ली सियन लोंग। क्या है, ली सियन लोंग कौन है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना लिखेंगे, गठन लिखेंगे 29 जनवरी 1819 को हुई थी सिंगापुर की स्थापना। ठीक है, और यह कितने यहाँ पे कितनी आबादी है, मात्र 35 लाख की आबादी है। ठीक है,
मतलब मुंबई जितना, जितना हमारा मुंबई है उतना बड़ा ये देश है सिंगापुर, मात्र 35 लाख की आबादी वाला देश है और दक्षिण एशिया के मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। कहाँ है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। इंडोनेशिया के बीच में क्या है? सिंगापुर स्थित है। तो राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। सिंगो का शहर कहा जाता है। राष्ट्रपति है सेल्लन रामनाथन। प्रधानमंत्री है सीलियन लोंग। स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 को और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है सिंगापुर। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग के किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर निकले हैं? ठीक है, तो किस देश के निकले हैं? इजराइल के। इजराइल के 5 दिवसीय दौरे पर निकले हैं जयशंकर। जयशंकर कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर निकले हैं 5 दिवसीय दौरे पर किस देश के? इजराइल के। इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल सबसे पहले देखेंगे, इजराइल की राजधानी क्या है? राजधानी है यरूशलम। क्या है? यरूशलम क्या है? इजराइल की राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। राष्ट्रपति लिखेंगे, राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग, ये इजराइल के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। कौन है पीएम? पीएम लिखेंगे नफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के पीएम है। और प्रमुख भाषा कौन सी है इजराइल की? प्रमुख भाषा है हिब्रू। क्या है? हिब्रू है प्रमुख भाषा। तो इसराइल की राजधानी क्या हो गई? यरूशलम। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री हो गई और प्रमुख भाषा हो गई हिब्रू। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग के किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसराइल के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में कौन सी मोबाइल कंपनी दुनिया के पहले नंबर की कंपनी बन गई है? कौन सी मोबाइल कंपनी बन गई है दुनिया के पहले नंबर की कंपनी? सैमसंग की। किसकी बनी है? सैमसंग की जो कंपनी है वो दुनिया की पहले नंबर की कंपनी बन गई है ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में 2021 की तीसरी तिमाही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र के किसके पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। किसे? पंतनगर को। पंतनगर का नाम क्या रखा जाएगा? नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं फटाफट से, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड 13 जिलों के साथ यूपी से अलग एक राज्य बनाया गया था। यूपी से अलग करके बनाया गया था कब? 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर सॉरी 2000 में 13 जिलों के साथ। कितने जिलों के? 13 जिलों के साथ क्या बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था। पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल रखा गया था। क्या रखा गया था? उत्तरांचल। 2006 के बाद इसके नाम परिवर्तन हुआ और इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और
एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा गला खराब है ना इसलिए दिक्कत हो गई थी। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उत्तराखंड देख रहे थे ना, तो उत्तराखंड मैंने आपको क्या बताया कि 2000 में 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, यूपी से अलग एक स्टेट बनाया गया था 13 जिलों के साथ, जिसका नाम क्या रखा गया था, उत्तरांचल रखा गया था। और 2006 के बाद उसका नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। अभी क्या, अभी यहाँ के सीएम कौन है, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, राजधानी लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं राजधानी। राजधानी कितनी है, दो राजधानी है, राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेन। क्या है, राजधानी गैरसेन कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या है, गैरसेन राजधानी क्या है, ग्रीष्मकालीन है और राजधानी वैसे क्या है, देहरादून है। ठीक है, जो लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में, लोकसभा में है 5 सीटें, यहाँ पे लिख लेते हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में है 3 सीटें और विधानसभा में है 70 सीट। ठीक है, तो राज्य पक्षी कौन सा माना जाता है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा घोषित किया गया है, हिमालयन मोनाल। क्या है, राज्य पक्षी क्या है, हिमालयन मोनाल क्या है, राज्य पक्षी है। पशु कौन सा है, कस्तूरी मृग है, पशु भी लिख लेते हैं, पशु है कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग क्या है, पशु है, पक्षी है हिमालयन मोलान। पेड़ कौन सा है, बुरंस है, पेड़ कौन सा है, बुरंस। कभी कभी बुरंस का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, बुरंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन। क्या है, रोडोडेंड्रोन क्या है, बुरंस का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, राज्य फूल कौन सा है, ब्रह्म कमल है, राज्य फूल राजकीय फूल कौन सा है, ब्रह्म कमल। ठीक है, और उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है, नैनीताल में है, कहाँ पे है, नैनीताल में स्थित है। तो यूपी से अलग करके जो अलग राज्य बनाया गया था कौन था, उत्तरांचल बनाया गया था, 9 नवंबर 2000 में बनाया गया था, 13 जिलों के साथ बनाया गया था, 2006 के बाद इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, राज्य पक्षी क्या है, हिमालयन मोलान, पशु है कस्तूरी मृग और पेड़ कौन सा है, बुरंस है, बुरंस का वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, रोडोडेंड्रोन है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन है, राजधानी देहरादून और लोकसभा में 5 सीट, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अहमद शाह अहमद जई। क्या था उनका नाम, अहमद शाह अहमद जई का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो क्या थे, अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अफगानिस्तान को आपको पता ही है, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है और अफगानिस्तान पर किसका कब्जा हो चुका है, अफगानिस्तान पर हो चुका है तालिबान का कब्जा। ठीक है, और अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था, अप्रैल 2007 में ये सार्क का 8वां सदस्य बना था। कौन सा सदस्य बना था, 8वां सदस्य 2007 में बना था सार्क का 8वां सदस्य बना था। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है, पश्तो। क्या है, भाषा है पश्तो, मुद्रा नहीं, भाषा कौन सी है, भाषा है यहाँ की पश्तो। ठीक है, और राजधानी क्या है, राजधानी है काबुल।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि T20 क्रिकेट के सबसे ज़्यादा विकेट T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट कितने, 108 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए, साकिब अल हसन दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं और कितने विकेट लिए हैं, 108 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो उनका नाम क्या है, रश्मिका मंदाना को फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नार्वे के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है जोनास गहर स्टोर। क्या है उनका नाम, जोनास गहर स्टोर। ठीक है, नार्वे के बारे में देखेंगे, नार्वे की सबसे पहले क्या देखेंगे, कैपिटल क्या है, ओस्लो। क्या है राजधानी लिखेंगे सबसे पहले नार्वे की, ओस्लो। क्या है राजधानी, ओस्लो। राजभाषा कौन सी है, नॉर्वेजियन। यहाँ पे लिखेंगे राजभाषा कौन सी है, नॉर्वेजियन है नार्वे की राजभाषा। ठीक है, राजा कौन है वहाँ पे, किंग कौन है, हेराल्ड पंचम कौन है नार्वे में, फिलहाल किंग हेराल्ड पंचम वहाँ पे राजा है। और प्रधानमंत्री कौन है, एर्ना सोलबर्ग। कौन है पीएम, प्रधानमंत्री, एर्ना सोलबर्ग वहाँ पे प्रधानमंत्री है। और राजा कौन है, हेराल्ड पंचम है। 17 मई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है नॉर्वे में, राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस 17 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 17 मई को ही 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था। 17 मई को ही 1814 में नॉर्वे का क्या बना था, संविधान बना था। नॉर्वे का संविधान कब बना था, 17 मई को 1814 में। तो 17 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है नॉर्वे में। ठीक है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि जुलाई तक यहाँ क्या रहता है, 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता। यहाँ पर नॉर्वे में 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता, यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और 40 मिनट के बाद ही फिर निकल जाता है। ठीक है, और क्या है नॉर्वे में, नॉर्वे में जो कैदी है ना, कैदियों को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की जाती है। जेल में क्या है ना, जो कैदी होते हैं उन्हें इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य के मिंडोली केला प्रजाति, कौन सा है क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मिंडोली केला प्रजाति, ये क्या है, केले की प्रजाति है। इसे क्या मिला है, GI टैग मिला है, GI टैग। ठीक है, तो कहाँ का है ये केला, केले की प्रजाति ये कहाँ की है, गोवा की। तो क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य के मिंडोली केला प्रजाति को GI टैग प्रदान किया गया, तो गोवा के मिंडोली केला प्रजाति को GI टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो गोवा के बारे में देख लेंगे एक बार, गोवा की सबसे पहले क्या देखेंगे, कैपिटल, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। क्या है गोवा की कैपिटल, पणजी है। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, गठन कब हुआ था, गठन हुआ था 30 मई 1987 को। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा गोवा का सबसे बड़ा शहर है। कितने जिले हैं गोवा में, 2 जिले हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। राज्यपाल कौन है वहाँ के, PS श्रीधरन, यहाँ पे लिख देते हैं। गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन कौन है, गोवा के राज्यपाल है।
और प्रधानमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। पीएम लिखे, ओ सीएम, सॉरी सीएम। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद, प्रमोद सावंत। ये है सीएम यानी मुख्यमंत्री, और राज्यपाल है पीएस श्रीधरन। ठीक है, गठन कब हुआ था गोवा का? 30 मई 1987 को हुआ था। सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। 2 जिले हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2, राजधानी है पणजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया? राजस्थान के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है महिपाल मदरेणा। क्या है उनका नाम? महिपाल मदरेणा का निधन हो गया, जो क्या थे? पूर्व मंत्री थे। ठीक है, राजस्थान के बारे में देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान, मारो राजस्थान, ऐसे बोलते हैं ना। राजस्थान की राजधानी क्या है? सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, राजधानी है जयपुर। क्या है राजधानी? जयपुर। गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। गठन लिखेंगे 30 मार्च 1949 को, 1949 को। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्य मंत्री। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल देखेंगे। राज्यपाल आप सभी को पता ही है, कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र है गवर्नर यानी राज्यपाल। इसके बाद विधानसभा में कितनी सीटें हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, 200 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10 सीट है। और लोकसभा में कितनी सीट है? 25 सीट है। और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य किस में है? क्षेत्रफल के आधार पर। यहाँ अगर राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखें तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला लिखेंगे केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा लिखेंगे, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा लिखेंगे मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा लिखेंगे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हो गए 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है राजस्थान का, तो लिखेंगे जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम, जाखम बांध। और अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा बांध कौन है, तो कौन सा लिखेंगे? माही बजाज सागर। ये तो ऊंचा है, अगर लंबा पूछा जाए तो लंबा क्या लिखेंगे? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। और अगर पूछा जाए कि जल भंडारण में सबसे बड़ा कौन सा है, जल सबसे ज्यादा कहाँ पर भरा जाता है, तो लिखेंगे राणा प्रताप सागर बांध। अगर जल भंडारण में पूछा जाए, जल भंडारण में सबसे बड़ा, तो लिखेंगे राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो ये क्या है? ये राजस्थान के प्रमुख बांध है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया? उनका नाम है रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 के सभी प्रारूपों के 30 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र
महेंद्र सिंह बने हैं पहले खिलाड़ी, दुनिया के पहले खिलाड़ी, विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो सज्जन जिंदल को नियुक्त किया गया वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी फिल्मों की किस सीनियर अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, उनका नाम था फारूक जफर। फारूक जफर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप लोग फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मूल की किस 6 वर्षीय छात्रा ने पाई के 1560 दशमलव स्थान याद कर सिंगापुर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो उनका नाम है ईशानी षणमुगम। उस छात्रा का नाम क्या है, ईशानी षणमुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग के किस देश के 5 वर्षीय दौरे पर गए हैं, तो इजराइल के 5 वर्षीय दौरे पर गए हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में कौन सी मोबाइल कंपनी दुनिया की पहली नंबर की कंपनी बन गई है, तो सैमसंग मोबाइल कंपनी दुनिया की पहली नंबर की कंपनी बन गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, अहमद शाह अहमद जई उनका नाम था। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए, साकिब अल हसन बन गए। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, रश्मिका मंदाना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है नॉर्वे के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली, जोनास गहर स्टोर्स बने हैं नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री। किस राज्य के मिंडोली केला प्रजाति को GI टैग प्रदान किया गया, गोवा के मिंडोली केला प्रजाति को क्या दिया गया, GI टैग प्रदान किया गया। राजस्थान के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया, महिपाल मदरेना का निधन हो गया, राजस्थान के पूर्व मंत्री थे। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता, रश्मि माधुरी ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 101वां स्थान प्राप्त हुआ। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए, महेंद्र सिंह धोनी बन गए। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो सज्जन जिंदल को नियुक्त किया गया। हिंदी फिल्मों की किस सीनियर अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, उनका नाम था फारूक जफर। क्या था उनका नाम, फारूक जफर था। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 15 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, और इन्हें क्या करेंगे, आपको मैंने जैसे आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले अगली क्लास नोट डाउन करने से पहले पिछले वाली क्लास को हमेशा रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन है भाई। जितने जब एग्जाम के नज़दीक जाते रहेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उन्हें तो हम खाली दिमाग में रखना है ना कि हाँ हमने वो पढ़े थे, सारी चीज़ जो वो हम रिवाइज करते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहेगी। अगर हम लिखेंगे छोड़ देंगे एक बार नहीं देखेंगे उन्हें, तो हम उन्हें भूलते चले जाएंगे, और जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें वो हमारे याद रहेंगे, हम सोचेंगे पिछले वाले भी है याद, लेकिन वो हम जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो वो हमें याद नहीं रहेंगे। तो क्या करना है, हमेशा पिछले वाली क्लास को एक बार 5 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, तब अगले वाली क्लास को नोट डाउन कर लिया और फिर उसे पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ आते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट की क्लास भी आज कोशिश करूंगी मैं आपकी बनाने की, कि दूसरे सब्जेक्ट की क्लास भी आपकी CTET की जो चल रही है, पर्यावरण अध्ययन और बाल विकास, उन दोनों की क्लास भी आपको अब रेगुलर मिले। और बस दुआ करो कि गला खराब ना हो और मैं आपकी मैं डेली क्लास डाल सकूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।